गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको क्या लगा कि मैं गुड मॉर्निंग मुंबई बोलने वाला हूँ? नहीं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बोलूँगा, राइट। आज का हमारा टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप्स, ठीक है। ये एसेंट ऑफ सैप्स क्या है ना, तो बेसिकली ये एसेंट ऑफ सैप्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लांट बना हुआ है, ये रूट है। और हम लोगों ने देखा है कि प्लांट क्या करता है कि जो अपना फोटोसिंथेसिस जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो बेस से मतलब कि अर्थ में से वाटर एंड मिनरल्स लेता है, इसी वाटर और मिनरल्स को किसको, वाटर और मिनरल्स कहाँ से प्लांट लेगा, तो रूट से लेगा। रूट कहाँ है, तो सॉयल में है। सॉयल कहाँ है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के अंदर है, जहाँ पे सॉयल क्या है, डीप है, और जो किसके कांटेक्ट में है, वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में है और मिनरल्स के कांटेक्ट में है। वो मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इसी रूट के थ्रू पूरे बॉडी में प्लांट पे ट्रांसफर होता है। तो ये जो रूट है वो कहाँ है, अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ में डीप किया हुआ है, जहाँ वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं कि प्लांट का बेस है। ये अर्थ बेस है, किसी भी चीज़ का बेस है ना, हमारा भी बेस है, क्योंकि हम उसी पे ग्रेविटी फोर्स के थ्रू इस पे खड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो ये बेस है, बेस से एपेक्स मतलब टिप की तरफ, किसकी टिप की तरफ, प्लांट की बात हो रही तो प्लांट की टिप ना, मेरे टिप पे तो नहीं। तो बेस से मतलब अर्थ से, बेस से कॉन्सेप्ट समझो, बेस से मतलब कि अर्थ से टिप की तरफ, एपेक्स की तरफ, टिप की तरफ किसके, प्लांट के मूवमेंट को, किसके मूवमेंट, बेस से मूवमेंट हो रहा है तो वाटर एंड मिनरल्स, तो बेस से टिप की तरफ प्लांट के मूवमेंट को, किस चीज़ का मूवमेंट, वाटर एंड मिनरल्स के मूवमेंट को बेस से एपेक्स की तरफ, उसे एसेंट ऑफ सैप्स कहते हैं, है ना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम बेस टू एपेक्स इन अ प्लांट, दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप्स। क्लियर, वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट, ये तो एसेंट ऑफ सैप्स का डेफिनेशन एक तरह से हमने लॉजिकली समझ लिया कि क्या भैया, तो वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट बेस से मतलब जमीन से टिप की तरफ, प्लांट के लास्ट हिस्से तक पहुँचाना वाटर और मिनरल्स को एसेंट ऑफ सैप्स कहलाता है। अब भैया ये वाटर और मिनरल कौन सी है, प्लांट में वी गार्ड है, क्रॉम्पटन का मोटर लगा हुआ है क्या, फिर हम धन से बटन ऑन किया, धन से पानी ऊपर चढ़ गया, टंकी तक चला गया, ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या, प्लांट में वी गार्ड, क्रॉम्पटन और दूसरे कंपनीज का मोटर लगा हुआ है क्या, नहीं। तो इसमें क्या है, वाटर और मिनरल्स को ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करवाया जाता है। ये मूव होता है तो रूट तक ये पहुंच गया, रूट में जब आ गया तो प्लांट के बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड अगर दौड़ रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी नली पे तो वो है ना, किसी नली में वो दौड़ रहा है। सिमिलरली प्लांट में ये जो वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू बॉडी में आ गया, तो बॉडी में एक ट्यूब है, पतली ट्यूब है, जिसको कहते हैं जाइलम ट्यूब। लास्ट क्लास में हमने बताया था ना, जाइलम मतलब लग रहा है कि जालिम से बना है ऐसा नहीं है ना, बट समझने के लिए जाइलम, जालिम से बना है। जालिम लोग धरती पे ही रहते हैं, अच्छे लोग चले जाते हैं, तो जाइलम का रिलेशन धरती से है, अर्थ से है, सॉयल से है ना। तो यहाँ से जो सॉयल ऑस्मोसिस के थ्रू जड़ से बॉडी तक आया, बॉडी प्लांट के बॉडी में, प्लांट में एक पतली नली होती है, ट्यूब होती है, जिसको जाइलम कहते हैं। जाइलम के थ्रू ही ये क्या होता है, वाटर एंड मिनरल बेस से एपेक्स की तरफ मूवमेंट होता है। अब ये कुछ वाटर की भी प्रॉपर्टीज़ होगी, मैकेनिज्म होगा, तो वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। वाटर कलरलेस होता है, उसमें शेप नहीं होता है, जब जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, ये सब बेसिकली हम लोग वाटर को देख के समझ जाते हैं। बट एक होता है एडहेशन, एक होता है कोहेशन, वाटर की प्रॉपर्टीज़ में एक होता है एडहेशन, एक होता है कोहेशन, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वाटर की लगभग लगभग सेम है। इसमें क्या है, एडहेशन एडी एड लग रहा है कि एड से बना है, एड मतलब कुछ मिलना, उसमें मतलब एडहेशन में
दो तरह के मॉलिक्यूल आपस में वाटर में मिलेंगे, है ना, और उसका जैसे वाटर में किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तो मिल जाता है। तो यहाँ बेस की बात कर रहे हैं, बेस में वाटर, वाटर में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में जो कि मिट्टी में है उसमें मिनरल्स मिले होते हैं मिट्टी से, उसी मिनरल्स को जब देखते हैं मिट्टी क्या होता है, पानी का रंग कैसा होता है, ऐसे तो देखा जाए तो क्या होता है, कलरलेस है, एकदम वाइट रहता है, बट मिट्टी में जब देखोगे तो वो हल्का पीला कलर का होगा ना, मतलब कि कह सकते हैं कि गंदगी है उस पानी में, दिखा मतलब कि कोई चीज़ उसमें डिजॉल्व है। तो वाटर में मिनरल्स मिला हुआ होता है, डिजॉल्व होता है, उसी में वाटर को ये रूट ऑस्मोसिस के थ्रू ऊपर ले जाता है। क्लियर? तो मतलब कि वाटर है एक कंपोनेंट, उसमें कोई दूसरा चीज़ मिला हुआ है, तो एडहेशन उसको कहेंगे जिसमें वाटर अट्रैक्शन की पावर तो है वाटर में, पर किसको अट्रैक्ट करेगा, अपने जैसा नहीं, अपने से किसी अलग को, भिन्न को अट्रैक्ट करेगा खुद में, उसे एडहेशन कहते हैं। कोहेशन कहेंगे जो खुद के जैसे को अट्रैक्ट करे, जैसे वाटर, वाटर पानी, पानी है, पानी के पास में अगर कोई पानी का ड्रॉपलेट्स आता है तो क्या करता है, वो उसमें चिपक जाता है, है ना, मतलब कि उसमें क्या है, उसमें चिपकने की ताकत है, किसमें, वाटर में चिपकने की प्रॉपर्टीज़ है, जो कि कुछ स्पीड हो जाता है उसका रफ्तार, तो ये चिपकने की प्रॉपर्टीज़ को कोहेशन बोलते हैं। चिपक रहा है किसी दूसरे वाटर में, प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसी दूसरे प्रॉपर्टीज़ के को अपने में डिजॉल्व करना, तो यहाँ पे मिनरल्स को अपने डिजॉल्व कर लिया, डैट इज़ नोन एज एडहेशन। एडहेशन का क्या काम है, अब ये क्या जाएगा, अब ये पूरे जाइलम में आगे की तरफ बढ़ेगा, तो कोई एक प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ना जो पूरे को लेके जाए, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, कोहेशन। कोहेशन क्या है, वाटर को वाटर से चिपकते 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 ये लास्ट अपेक्स तक लेकर पहुँचता है, ये जिस नली में, ट्यूब में होकर गुजरता है उसको जाइलम कहते हैं, जिस प्रोसेस से एस्टुअन मिनरल्स रूट में आगे की तरफ ट्रांसफर होता है उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, सारा खेला है जो पानी और मिनरल्स को बेस से एपेक्स टिप की तरफ ले जाने का जिसे एसेंट ऑफ सैप्स कहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखोगे क्या आप कंफ्यूजन है, जस्ट उसे सॉल्व करूंगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू सो मच।